तो अभी फिलहाल जो है इसका नंबर प्लेट जो है वो इंस्टॉल करेंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके करेंगे क्योंकि इस जगह पे ना अच्छा नहीं लगता है नंबर प्लेट, तो उसी कारण के लिए इस जगह पे नंबर प्लेट जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो देख सकते हो इधर से कैसा लुक्स लग रहा है अभी फिलहाल। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लेक्चर ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। तो गाइस अभी फिलहाल जा रहा हूँ, इस बाइक का नंबर प्लेट आ चुका है तो नंबर प्लेट इंस्टॉल करेंगे एंड नंबर प्लेट में भी आज एक मॉडिफिकेशन करेंगे। N160 का जो नंबर प्लेट है वो इधर पर रहता है, ठीक है, तो वो इधर पर नहीं लगवाएंगे, आज लगवाएंगे इधर पर, ठीक है। वो हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया हूँ, तो उसका लिंक जो है अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं दे दूंगा। तो चलो चलते हैं। सो गाइस नंबर प्लेट लगवाने से पहले ये गार्ड जो है मतलब कवर जो रहता है नंबर प्लेट का वो लगवाना चाहिए। देखो इस बाइक में भी है, ठीक है, ऐसे करके ये लगवाना चाहिए। तो ये पहले ख़रीद लिया, उसके बाद अभी जो है शोरूम पर जाएँगे। सो गाइस नंबर प्लेट कवर जो है वो तो ले लिया, अभी फ़िलहाल शोरूम पर जाएँगे। 2 दिन हो गया कि नंबर प्लेट आया है, मतलब 15-20 दिन लगा है ये न्यू नंबर प्लेट आने के लिए। तो कल आया था, तो कल तो मैं बिज़ी था, मेरा वेटिंग वार्ड था, तो इसी कारण के लिए मैंने उसको बोला कि रुक जा एक दिन, मैं कल तेरे साथ चलता हूँ, क्योंकि आज मैं अभी तो फका हूँ, मतलब अभी तो मैं फ्री हूँ, बाद में मतलब इवनिंग में मेरा वर्क है। एंड पता नहीं इस बाइक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चेन टाइट है फिर भी चेन से नॉइस कर रहा है, मतलब जब गड्ढा में गिर रहा है ना तब नॉइस कर रहा है। अरे जाओ काका, तो जब गड्ढा में गिर रहा है तब नॉइस कर रहा है, पता नहीं क्यों। गाइस जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करके रखे हो प्लीज़ एक बार बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कर देना, या फिर अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है यूट्यूब, कुछ ग्लिच चल रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना। एंड जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब तो कर लेना, अगर अच्छा लगा मेरा चैनल तभी एंड मेरा वीडियो अच्छा लगता है तभी। ये इस बाइक का तो जो सर्विसिंग का वीडियो है वो तो आ चुका है, आप लोग अगर इसका राइड रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट पे बताना, मैं बहुत जल्द इस बाइक का राइड रिव्यू के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। शोरूम पे तो आ चुका हूँ, नंबर प्लेट भी आ गया है क्योंकि कॉल किया था। तो अभी फ़िलहाल जो है इसका नंबर प्लेट जो है वो इंस्टॉल करेंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके करेंगे क्योंकि इस जगह पे ना अच्छा नहीं लगता है नंबर प्लेट, तो उसी कारण के लिए इस जगह पे नंबर प्लेट जो है वो इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उसमें लुक्स अच्छा लगता है एंड इस जगह पे लुक्स अच्छा नहीं लगता है, तो इसी कारण के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ लुक्स के लिए यह जो चीज़ है ये करवा रहा हूँ। सो गाइस नंबर प्लेट भी आ चुका है, नंबर प्लेट का जो कवर है वो भी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन इस जगह पे पहले नंबर प्लेट लगवाना चाहिए, उसके बाद मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ये बोल रहा है, क्योंकि पहले इधर पे नंबर प्लेट सेट होगा एंड पीछे का नंबर प्लेट सेट होगा, उसके बाद ये जो लोग हैं मतलब बजाज शोरूम का वो लोग पिक्चर जो है वो RTO पे भेजेगा, तो RTO पे भेजने के बाद उधर से अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही RC आएगा, तो वही चीज़ जो है दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग इधर पर लगवाना चाहते हैं, लेकिन एंड इस जगह पर जो है क्लैम्प रहता है तो वो अभी हम लोग लेके नहीं आया हो, तो देखते हो क्या होता है अभी। सो गाइस अभी जो है ये जो नंबर प्लेट का जो मतलब जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो इधर पे लगवाएंगे, तो इसी कारण के लिए एलन की से वो जो नॉट बोल्ट है वो रिमूव कर रहा है। सो गाइस ये जो गार्ड था नंबर प्लेट का ये तो इंस्टॉल हो चुका है, यानी ये देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर भूल जाऊंगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं ज़रूर लिंक दे दूंगा। एंड इसका प्राइस कितना है?
इसका जो प्राइस है ये 350 रुपीज़ है। तो अभी फिलहाल इधर पे नंबर प्लेट जो है वो इंस्टॉल होगा। तो इसमें क्या होता है, लुक जो है बहुत अच्छा लगता है, तो इसी कारण के लिए ये इंस्टॉल किया। नंबर प्लेट तो इंस्टॉल हो चुका है, आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। इधर पे बाइक को रखते हैं तो देख सकते हो इधर से कैसा लुक्स लग रहा है अभी फिलहाल। तो अगर आपके पास भी N160 है तो मैं बोलूँगा अगर आप लोग इधर पे भी इंस्टॉल किए हो तो इधर से खोल के इधर पे इंस्टॉल करो, लुक्स बहुत बढ़िया लगता है। एंड पीछे तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, पीछे तो नॉर्मली नॉर्मल प्लेट जैसे है। अभी तक टेल टेडी नहीं इंस्टॉल किया हो, लेकिन टेल टेडी भी इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।